गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इसमें हम शेयर करूँगी कि जो बिगनर्स के लिए सकुलेंट्स, आप कैसे इनको सकुलेंट्स को लगाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इनकी लीव्स जो होती हैं काफ़ी फ्लैशी होती हैं, तो ये अपनी लीव्स की वजह से ही काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी प्यारे लगते हैं ये। तो इन्होंने अपनी लीव्स में वाटर और फूड स्टोर किया होता है। तो इनको हमें वाटर की काफ़ी कम ज़रूरत होती है। तो अगर आपने कभी सकुलेंट्स नहीं लगाए, आप न्यू हो, तो इनमें काफ़ी मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ होती है सकुलेंट्स की। तो आपको सबसे पहले हार्डी सकुलेंट ही चूज़ करना है, बिकॉज कुछ सकुलेंट्स होते हैं वो जल्दी आपसे लगेंगे नहीं। तो हार्डी सकुलेंट्स में आप देखिए, ये सीडम है, ये आप चूज़ कीजिए। ये किसी भी एटमॉस्फेयर में, गर्मी सर्दी, ये सर्वाइव कर जाते हैं। और ये जैसे ये हवर्थिया आप लगा सकते हैं, और ये कलांचो है, पिंक कलांचो, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये किसी भी वेदर में सर्वाइव कर जाता है। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं सकुलेंट्स लगाना, तो हमेशा हार्डी प्लांट ही चूज़ कीजिए, बिकॉज आप अगर दूसरे प्लांट्स लोगे तो वो सर्वाइव, समटाइम्स अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है सकुलेंट्स बारे में, तो वो नहीं करते। और सेकंड थिंग, जब भी आप नर्सरी में प्लांट लेने जाते हो, तो हमेशा एक हेल्दी प्लांट चूज़ कीजिए उसमें। जब आप हेल्दी प्लांट लेके आएंगे नर्सरी से, तभी वो सर्वाइव भी करेगा। अगर पहले ही आपने प्लांट ऐसा ले लिया कि उसके लीव्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सकुलेंट्स ऐसे होते हैं, आम प्लांट्स की तरह ये नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल होता है इनको एडजस्ट करना हर एक क्लाइमेट में जाके। जैसे आप नर्सरी से लेके आए प्लांट, तो मोस्टली सिंपल प्लांट्स मेरे नर्सरी से समटाइम्स ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं लगते आपसे। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इनके में केयर भी काफ़ी कम करनी पड़ती है सकुलेंट्स में, हमें इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है इनकी। तो अब बात करेंगे इनकी वाटरिंग की। तो वाटर, जैसे आपको पता है, इन्होंने अपनी लीव्स में ही काफ़ी वाटर स्टोर किया होता है, तो इनको वाटर की काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। एक बार आप अगर वाटर कर दो, तो सेकंड टाइम तभी वाटर करना अगर उसकी टॉप लेयर जो है ड्राई हो जाए, और एक दो इंच की जो पॉटिंग सॉइल है वो आपकी ड्राई हो, तभी इसमें करना। क्योंकि सबसे ज़्यादा सकुलेंट्स में जो रूट रोट की प्रॉब्लम वाटरिंग की वजह से ही होती है, तो उसमें आपका ध्यान रखना। और जब भी वाटरिंग कर रहे हो, तो वाटर सीधा पॉट में करना, कभी भी लीव्स पे आपको जो है वाटरिंग नहीं करनी। बिकॉज अगर लीव्स पे आप वाटर कर देते हो, वाटरिंग ऊपर से करते हो, लीव्स में रुक जाता है वाटर, तो इस पे मार्क पड़ जाते हैं वो वाटर के, वो अच्छे नहीं लगते। जैसे अगर आपको लीव्स लग रही है गंदी है, आपको डर्टी है, ये वॉश करनी है, तो आपको वाटर से नहीं करनी है, ऐसा ब्रश ले लेना है एक, ये पेंट ब्रश, और इससे ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, इससे इसको ऐसे क्लीन करना है, और ये बड़ी अच्छी तरह से इससे क्लीन हो जाते हैं, इनमें शाइन आ जाती है। बट वाटर से कभी भी इनको क्लीन नहीं करना आपको, कि आप सोचो गंदे हो गए लीव्स और वाटर से कर दे, तो वाटर के वो जो मार्क्स है वो नहीं जाते, वो बड़े गंदे लगते हैं। बिकॉज इनके लीव्स के कारण ही ये इनकी जो ब्यूटी है वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे आपको। और थर्ड जो है, बात करेंगे हम सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, सनलाइट इनको विंटर्स में, तो आप प्रॉपर सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में इनको रख सकते हो, प्रॉपर जो सनलाइट आती है, बिकॉज इनको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। बट समर्स में मॉर्निंग की सनलाइट में ही आप इनको रखिए, और उसके बाद मॉर्निंग की 1 to 2 hours की सनलाइट, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर। तो आपको उस टाइम इनको शेडी एरिया में रखना है, या फिर ग्रीन नेट जो होता है आप यूज़ कर सकते हो इनको सर्वाइव करने के लिए समर्स में। समर्स में इनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। और जैसे कि अगर सनलाइट की कम मिलती है उनको, तो उनकी वजह से ना प्लांट्स में के जो ये लीव्स होती हैं ना, इनमें गैप बढ़ जाता है, ये गैप बढ़ने लग जाता है, तब हमको पता चलता है कि इनको सनलाइट की ज़रूरत है। जैसे कि ये मेरा प्लांट मैं दिखाऊंगी, ये वाला, इनमें देखिए, ये बड़ा अच्छा था, बट अभी इसमें जो लीव्स में इसमें गैप, काफ़ी गैप आ गया है। तो ये इसके कारण ही है कि इसको अभी सनलाइट ज़्यादा चाहिए, तो ये इसमें गैप आ जाता है। और अगर आप इनडोर रखना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इनडोर ही रखने हैं उनको प्लांट्स सकुलेंट्स, तो इनडोर में फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग तो इनको प्रॉपर एयर चाहिए, जहाँ पे भी आप रख रहे हो विंडो के पास रखिए इनको। ये नहीं कि आपने रख दिया कि प्रॉपर एयर ही, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, इनको एयर चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए इनको। और आप सनलाइट में वीक में 2-3 बार सनलाइट में भी ज़रूर रखिए इनको निकाल के। अभी मैंने बताया इसको, इनको क्लीन भी करना है आपको। और सनलाइट में ये कलर भी चेंज करते हैं, जब विंटर्स में हम इन्हें सनलाइट में रख देते हैं, तो इनके जो लीव्स में कलर
आ जाता है ये एजस्मिन के, ये जैसे इसके भी आया हुआ है थोड़ा थोड़ा कलर, तो ये कलर, ये भी कलर आया हुआ है ये सनलाइट के कारण ही। और ये जेली बीन्स तो बिल्कुल ही कलर ही चेंज कर लेते हैं अपना, तो इनके लिए सनलाइट भी काफ़ी ज़रूरी है। और अभी बात करेंगे पॉटिंग मिक्स की, जो एक मेन चीज़ है सकेलेंट्स के लिए। पॉटिंग मिक्स इनमें हमेशा जो आपको है वेल ड्रेन आपको सॉइल लेनी है। सिंपल आम प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो उसमें ये सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज वो सॉइल अपने में जो वाटर होल्ड कर लेती है, और अगर इनमें वाटर होल्ड करेंगे ये तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपको जो सॉइल है वो इनकी आप मार्केट से भी ले सकते हैं, काफ़ी जो ऑनलाइन भी आपको मिलती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो पॉटिंग सॉइल मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए मेरे प्लांट्स जो कितने हेल्दी हैं, उसी पॉटिंग सॉइल में मैंने इनको लगाया हुआ है। ये मैंने कुछ ट्रेज बनाई हुई है, सकेलेंट ट्रे तैयार की है, जिसमें काफ़ी प्लांट्स, सारे प्लांट्स, सारे तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं। रखिए ये ट्रे है, इनका भी मैंने वीडियो शेयर किया है, अगर आप देखना चाहते हैं ज़रूर देखना। और उसके बाद बात करेंगे प्रोपगेशन की, और इनकी ये है कि स्टेम से भी हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं और लीव से भी। जब भी कोई लीव टूट जाए तो आप उसको प्रोपगेट कर सकते हो। लाइक इसमें भी एक लीव टूट गई है, अभी देखिए अगर आप देख पा रहे हैं ये लीफ में प्लांट आ गया है। और मैं कुछ और भी दिखाऊंगी आपको जो मैंने प्रोपगेट किए हैं, तो लीव से भी ये काफ़ी प्रोपगेट हो जाते हैं। ये सारे मैंने लीव से प्रोपगेट किए हुए हैं, तो जब भी कोई लीव टूट जाए बस आप ट्राई ज़रूर करना, ट्राई करते रहिए, तो आपके लीव्स ज़रूर प्रोपगेट होंगे। ऐसे ही बस आपको सॉयल मिक्स बना के उसमें रख देना है। तो ये मेरे सारे जो प्रोपगेट हो चुके हैं, तो बस ऐसे ही आप सकेलेंट्स लगाते रहिए। और इनकी सबसे कम केयर करनी पड़ती है, आप सिर्फ आपको वाटरिंग की मेन जो है ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।